सनातन धर्म में चैत्र मास के नवरात्रों का विशेष महत्व है। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के पैतृक गांव सांचौली में भी देवी मां की पूजा अर्चना करने को दूर दराज से भक्त आते हैं। सप्तमी के दिन देवी मंदिर प्रांगण में लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें मंगलवार को सप्तमी के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भी अपने परिवारजनों के साथ मंदिर में पहुंचकर मां भगवती की पूजा अर्चना की। कृष्ण भगवान के गांव नंदगांव की तलहटी में स्थित सांचौली में देवी मां की पूजा करने के लिए भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला, जहां दूर दराज से आए भक्त अपने नवजात बच्चों का मुंडन एवं नवविवाहित जोड़ों द्वारा माता के दर्शन किए जाने का बहुत बड़ा महत्व है। सांचौली मंदिर की मान्यता है कि प्राचीन काल में राधा रानी देवी मां की पूजा करने जा रही थी, तब इसकी जानकारी भगवान कृष्ण को लगी तो वह गाय चराते वक्त कृष्ण वन में देवी का रूप धारण कर बैठ गई और बाल ग्वालों द्वारा राधा जी से कहा गया कि यह बात सांच है कि कृष्ण वन में सांचे को देवी मां आई है। इस बात को सुन राधा जी ने देवी मां की वहां पूजा की। उसी दिन से इस स्थान का नाम सांचौली पड़ा और राधा रानी के साथ आसपास के गांववासी भी आकर देवी मां की पूजा करने लगे। आपको बता दें कि सांचौली उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का पैतृक गांव है, जहां सभी व्यवस्थाएं कैबिनेट मंत्री की देखरेख में की जाती हैं और सप्तमी के दिन कैबिनेट मंत्री अपने समस्त परिवारजनों के साथ गाँव में उपस्थित रहते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी ने बताया कि गांव में आने वाले सभी भक्तों के लिए पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, मंदिर की देखरेख, भीड़ की व्यवस्था गांववासियों के सहयोग से की जाती है। दूर दराज से आने वाले सभी भक्तों के लिए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के परिवार द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बचपन से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सप्तमी के दिन वह अपने गांव में उपस्थित न हो और सभी व्यवस्थाएं अपनी देखरेख में ही वे कराते हैं, जिससे कि किसी भी आने वाले श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दूर दराज से आने वाले भक्तजनों के मनोरंजन के लिए व्यापारियों द्वारा बड़े बड़े झूले, जादू के खेल एवं बच्चों के खिलौनों की दुकान, खाने पीने का सामान का बहुत बड़ा बाजार सांचौली में लगता है। ग्रंथों में जिक्र है राधा जी भगवान कृष्ण से मिलने आई थी। भगवान कृष्ण यहाँ गाय चरा रहे थे। जब काफी देर हो गई तो राजा वृषभान ने राधा जी को ढूंढने के लिए कुछ व्यक्ति भेजे। जब उनको आते हुए राधा जी ने देखा और ये कहा कि ये तो मेरे यहाँ से है, मुझे ढूंढने के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा राधा जी से, आप क्या कहके आई? उन्होंने कहा, एक मैं देवी के पूजन के लिए आई थी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं देवी बना जाता हूँ, तुम मेरी पूजा करने लगे, इसलिए इसका नाम कृष्णा देवी पड़ा। और जब वो बाल बाल आ गए राधा जी के पास तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तो राधा जी की बात सांची है, ये तो देवी की पूजा करने आई हैं, इसलिए इस गांव का नाम भी सांचौली पड़ा और इसलिए देवी को सच्चे दरबार वाली देवी का नाम दिया जाता है।